दोस्तों अगर अगर मान लीजिए आप लोग कोई क्वेश्चन है उसको आप लोग नहीं करते हो तो आप लोग को 0 मार्क्स मिलेगा, उसके आधार पर कुछ बना के लिख देते हो तो आप लोग को 2-3 नंबर जरूर मिल जाएगा दोस्तों। तो फायदा कौन सा है, 0 वाला कि 2-3 वाला? 20 से 30 नंबर आप लोग एक्स्ट्रा पा सकते हैं दोस्तों इस ट्रिक को अप्लाई करने के बाद, ठीक है। मान लीजिए 30 नंबर आप लोग का, 30 नंबर यहाँ से आराम से ला सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और अगर 20 नंबर अपने मन से कर लिए दोस्तों तो आप लोग का 50 मार्क्स, और 30 नंबर स्कूल से आप लोग का प्रोजेक्ट का मिलता है तो 80 मार्क्स आप लोग यहाँ से हासिल करते हैं, 80 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं, ठीक है। 5 गलती जो मैंने आप लोग बताया दोस्तों आज की इस वीडियो में, अगर इसको अगर आप लोग नहीं करते हो बोर्ड एग्जाम की कॉपी में दोस्तों तो आप भी 95% दोस्तों मार्क्स आसानी से ला सकते हो। दोस्तों हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अभिजीत लेक्चरर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बोर्ड एग्जाम दोस्तों 2024 में आप लोग को कौन सी भूल कर भी नहीं करनी है, आपको 5 गलतियाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। दोस्तों अगर आप लोग ये गलती करते हैं दोस्तों तो आप लोग फेल भी हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आप भी क्लास 10th में या 12th में और 2024 बोर्ड एग्जाम में दोस्तों आप लोग पेपर देने वाले हैं दोस्तों तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखना ना भूले दोस्तों। अगर आप लोग वीडियो को मिस करते हैं दोस्तों तो आप लोग फेल हो सकते हैं, क्योंकि ये 5 बड़ी गलतियाँ दोस्तों अगर आप लोग करते हो तो आप लोग 95% या टॉपर नहीं बन सकते हो, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर ये 5 गलतियाँ आप लोग नहीं करते हो तो 95% या 90% दोस्तों मार्क्स आप लोग पक्का आएगा दोस्तों आज के इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है दोस्तों। काफ़ी बच्चे ये 5 गलती करते हैं और फेल हो जाते हैं दोस्तों, इसी कारण फेल होते हैं और अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं दोस्तों। अगर आप भी पेपर देने दोस्तों देने वाले हैं तो पेपर देने जाने से पहले आज की इस वीडियो को आप लोग लास्ट जरूर देखना दोस्तों। अगर देख लेते हो दोस्तों ये 5 बड़ी गलती करने से आप लोग बच जाओगे, ठीक है। पहली गलती कौन सी है दोस्तों जो आप लोग को नहीं करनी है, देखिए दोस्तों जो पहली गलती आप लोग को यही है कि केवल काले और नीले पेन का ही प्रयोग करना है दोस्तों। जब आप लोग को बोर्ड एग्जाम की कॉपी दी जाएगी दोस्तों, जब दोस्तों आप लोग को बोर्ड एग्जाम की कॉपी दी जाएगी तो उस पर केवल आप लोग क्या काले दोस्तों और नीले पेन का ही प्रयोग कीजिएगा, अन्यथा आप लोग लाल का प्रयोग करते हैं, ग्रेड का, ग्रीन का प्रयोग करते हैं, ऑरेंज का दोस्तों, ऐसे ही हरा का प्रयोग करते हैं दोस्तों। कॉपी पेस्ट देखने के लिए आप लोग क्या करते हैं, रेड का प्रयोग करते हैं, रेड का प्रयोग करते हैं और ग्रीन का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो आप लोग ऐसी गलती नहीं कर रही है, केवल काले और नीले पेन का ही प्रयोग करना है, वो भी डॉट पेन का यानी बॉल पेन का दोस्तों, जेल पेन का भी नहीं प्रयोग करना है दोस्तों। अगर आप लोग ये गलती करते हो तो आप लोग का मार्क्स कट सकता है दोस्तों, ठीक है। तो रेड पेन का प्रयोग नहीं करना है, रेड पेन का प्रयोग केवल एग्जामिनर ही कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग रेड और ग्रीन या कोई भी अन्यथा और कोई पेन का प्रयोग मत कीजिएगा, केवल काले और नीले पेन का ही प्रयोग कीजिए दोस्तों। आप लोग स्केच का प्रयोग कर सकते हैं, ब्लैक स्केच का प्रयोग कर सकते हैं, उस पर आप लोग को मना नहीं है, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग बढ़िया स्केच से हेडिंग भी डाल सकते हैं दोस्तों, केवल दोस्तों आप लोग काले नीले पेन का ही प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। तो पहली गलती यही थी दोस्तों, केवल आप लोग काले और नीले पेन का ही प्रयोग करना है दोस्तों, ठीक है। देखिए सेकेंड कौन सी गलती है दोस्तों, बोर्ड एग्जाम की कॉपी के फर्स्ट पेज में दोस्तों, आप लोग का बोर्ड एग्जाम की कॉपी होती है उसके दोस्तों फर्स्ट पेज में आप लोग को काट पीट कर नहीं लिखना है और गलत उत्तर कभी मत लिख लीजिए दोस्तों। अगर आप लोग मान लीजिए आप लोग को बोर्ड एग्जाम की जब आप लोग कॉपी दी जाती है दोस्तों, तो प्रयास कीजिए कि स्टार्टिंग के 1 से 2 पेज तक, 1, 2, 3, 4 पेज तक दोस्तों आप लोग काट पीट मत कीजिएगा दोस्तों, काट पीट मत कीजिएगा दोस्तों। अगर आप लोग काट पीट स्टार्टिंग पेज में कर दो दोस्तों तो जो एग्जामिनर चेक करते हैं उनके ऊपर आप लोग का बैड इंप्रेशन पड़ेगा दोस्तों, क्या बैड इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग के आप लोग 1, 2, 3, 4 पेज पर आप लोग काट मत कीजिएगा दोस्तों, और गलत उत्तर कभी मत लिखना दोस्तों स्टार्टिंग के पेज पर। अगर दोस्तों गलत उत्तर भी लिखोगे तो समझ जाएंगे कि ये बच्चा है नकल करके लिखा है या इसको नहीं आ रहा है दोस्तों, तो बैड इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग ऐसी गलती मत कीजिएगा दोस्तों कॉपी के फर्स्ट पेज पर। मान लीजिए आप लोग को 10 आंसर आ रहा है 10वां का, तो 10वां का ही उत्तर लिखेगा दोस्तों, ठीक है। जो आ रहा है वही लिखें स्टार्टिंग के, काट पीट कर मत लिखें दोस्तों, गलत उत्तर कभी मत लिखना स्टार्टिंग के पेज पर, बैड इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है, समझ गए। तो सेकंड गलती यही थी आप लोग की, जब आप लोग को बोर्ड एग्जाम कॉपी दी जाती है तो आप लोग स्टार्टिंग के पेजेस पर आप लोग को काट पीट और गलत उत्तर कभी मत लिखेगा, ठीक है, समझ गए दोस्तों। देखिए तो तीसरी गलती है जो आप लोग को कौन सी नहीं करनी है दोस्तों, देखिए यही आप लोग की तीसरी गलती है। तीसरी गलती आप लोग को दोस्तों यही है आप लोग की कि अटेंडेंस, आप लोग को जो क्लास रूम होता है दोस्तों, जो आप लोग क्लास रूम में परीक्षा देते समय अटेंडेंस सीट में अपना अटेंडेंस जरूर भरें। काफ़ी बच्चे जो आप लोग कॉपी आप लोग लिखते हैं तो काफ़ी बच्चे कॉपी लिखने में इतना लीन होते हैं कि अटेंडेंस सीट पर आप लोग अपना अटेंडेंस देना भूल जाते हैं। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा दोस्तों। आप लोग जब आप लोग की जब जो एग्जामिनर है वो ऑलरेडी आते हैं आपके पास और आप लोग को साइन करने के लिए कहते हैं, हस्ताक्षर करने के लिए कहते हैं, जब आप लोग हस्ताक्षर करोगे तभी आप लोग प्रेजेंट होगे दोस्तों। अगर आप लोग साइन ही नहीं करोगे, अपना प्रेजेंट दोगे ही नहीं, तो आप लोग दोस्तों ऑलरेडी आप लोग एबसेंट हो जाओगे, ठीक है। तो आप लोग कॉपी चेक करने का कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। तो अगर आप लोग भूल गए हो तो अपने एग्जामिनर को एक बार जरूर हौसला दिलाएं कि मेरा हस्ताक्षर नहीं हुआ है, मेरा अटेंडेंस नहीं हुआ है, मेरा अटेंडेंस देख लीजिए, ठीक है। तो अपना अटेंडेंस सीट पे अपना अटेंडेंस जरूर भरें दोस्तों। ये गलती आप लोग मत कीजिएगा। काफ़ी बच्चे ये गलती करते हैं और आके फेल हो जाते हैं, उनका अटेंडेंस होता ही नहीं है। तो जब आप लोग की बोर्ड एग्जाम कॉपी दी जाती है उसके 1 ही 2 घंटे बाद आप लोग का अटेंडेंस होता है। तो अटेंडेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, आप लोग अपना अटेंडेंस दीजिएगा, ठीक है, समझ गए दोस्तों। अब देखिए जो चौथी गलती है कौन आप लोग को नहीं करनी, चौथी गलती आप लोग की ये दोस्तों कि क्वेश्चन में जो पूछा गया है, क्वेश्चन में जो पूछा गया है सिर्फ उसी का उत्तर लिखें,
ये कभी ना लिखें दोस्तों। काफ़ी बच्चों को जब क्वेश्चन नहीं आता है तो बैठे रहते हैं, तो ऐसी गलती आप लोग को नहीं करनी है दोस्तों। सारे का आंसर लिखना है, सभी क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ऑल क्वेश्चंस का आंसर लिखना है दोस्तों। अगर मान लीजिए आप लोग कोई क्वेश्चन है उसको आप लोग नहीं करते हो तो आप लोग को 0 मार्क्स मिलेगा। उसके आधार पर कुछ बना के लिख देते हो तो आप लोग को 2-3 नंबर जरूर मिल जाएगा दोस्तों। तो फ़ायदा कौन सा है, 0 वाला कि 2-3 वाला, समझ गए? तो यही आप लोग का ट्रिक अपनाना है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको बना के लिखें, कुछ लिखें मगर बना के लिखें। मगर ये सब चीज़ फालतू चीज़ काफ़ी बच्चे करते हैं, गाना लिखते हैं, गालियाँ लिखते हैं। मान लीजिए आप लोग किसी को गाली दोगे तो जो नंबर देने वाला रहेगा वो भी नहीं देगा, तो इसलिए गाना गालियाँ कसम वसम मत लिखिएगा आप लोग, ये फालतू चीज़ें दोस्तों, ठीक है, समझ गए? तो अपने उत्तर लिखें, उत्तर में यह ना लिखें, यही उत्तर नहीं लिखना है दोस्तों, ये उत्तर आप लोग को लिखना है, समझ गए? सभी क्वेश्चन को लिखिएगा दोस्तों। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर 10 को कीजिए, मगर स्टार्टिंग में कीजिए आप लोग, जो आ रहा है स्टार्टिंग में कीजिए, जो नहीं आ रहा है उसको आप लोग बाद में बनाकर लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग को सीरियल वाइज लिखना होता है, 1 लिखें 2 लिखें, आप लोग को जो आ रहा है वहाँ से शुरू कर सकते हैं दोस्तों, आपकी चॉइस होती है यहाँ पर, समझ गए दोस्तों? तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसी का उत्तर लिखें, ये गाना गालियाँ और कसम वसम मत लिखिएगा दोस्तों, फालतू चीज़ है, आप लोग का मार्क्स कटता है इस पर, ठीक है? तो क्वेश्चन को सभी क्वेश्चन को लिखिएगा, बना के लिखिएगा दोस्तों। अगर नहीं आ रहा है दोस्तों तो आप लोग दूसरे का उत्तर लिख दीजिए, आप लोग को मार्क्स मिलेगा, ये ट्रिक आप लोग का है, इसको अपनाइए अपने बोर्ड एग्जाम कॉपी में, अच्छे नंबर लाएंगे, ठीक है? तो अपने बोर्ड एग्जाम कॉपी में 1-2 मार्क्स जरूर पा जाएंगे दोस्तों, अगर ये सब चीज़ अपना अपनाते हैं दोस्तों तो, ठीक है? मान लीजिए कोई आप लोग का क्वेश्चन पेपर है उसको आप लोग, ये मान लीजिए आप लोग को नहीं आ रहा है तो 20-30 नंबर आप लोग एक्स्ट्रा पा सकते हैं दोस्तों इस ट्रिक को अप्लाई करने के बाद, ठीक है? मान लीजिए 30 नंबर आप लोग का, 30 नंबर यहाँ से आराम से ला सकते हैं दोस्तों, ठीक है? और अगर 20 नंबर अपने मन से कर लिए दोस्तों तो आप लोग का 50 मार्क्स, और 30 नंबर स्कूल से आप लोग का प्रोजेक्ट का मिलता है तो 80 मार्क्स आप लोग यहाँ से हासिल कर सकते हैं, 80 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए करंट टॉपर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ाई कीजिए हमारे साथ और अच्छे मार्क्स लाइए, ठीक है? देखिए लास्ट गलती कौन सी है, लास्ट गलती बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में पैसे ना रखें दोस्तों। काफ़ी बच्चे बोर्ड एग्जाम की कॉपी में पैसे रखते हैं, अगर उनको नहीं आता है तो 100 रुपीज़ का नोट रखते हैं, 200 का 500 का, ये सब चीज़ आप लोग मत कीजिएगा दोस्तों, फालतू चीज़ें हैं, आप लोग का मार्क्स कटता है, ये सब चीज़ फालतू चीज़ें, क्योंकि जहाँ पर बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक होती है दोस्तों, जहाँ पर बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक होती है वहाँ पर दोस्तों CCTV कैमरा होता है, CCTV कैमरा आप लोग का होता है दोस्तों। तो अगर आप लोग पैसे रखते हो तो वो गवर्नमेंट के पास चलता है, गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी वो पैसा है दोस्तों, किसके पास जाता है, गवर्नमेंट के पास, ठीक है? वो एग्जामिनर नहीं रखते हैं, तो आप लोग पैसे मत रखिएगा दोस्तों। कौन सा ट्रिक अपना ये समझ गया दोस्तों, आप लोग को बना के लिखना है दोस्तों, कैसे भी लिखना है बना कर लिखें दोस्तों, बना के लिखे दोस्तों, आप लोग मार्क्स अच्छे ला सकते हैं दोस्तों बना के लिखने के बाद, ठीक है दोस्तों? दोस्तों ये 5 गलतियाँ था, ये 5 गलती जो मैंने आप लोग बताया दोस्तों आज की इस वीडियो में, अगर इसको अगर आप लोग नहीं करते हो बोर्ड एग्जाम की कॉपी में दोस्तों, तो आप भी 95% दोस्तों मार्क्स आसानी से ला सकते हो दोस्तों, आज की इस वीडियो को अगर आप लोग लास्ट तक देखे होगे दोस्तों, तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, जो मैंने आप लोग को ट्रिक बताया उसको अप्लाई कीजिए, अच्छे मार्क्स लाएंगे, ठीक है, समझ गए? तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी आपको जम के कराएंगे, सभी मॉडल पेपर देंगे, टिप्स देंगे, ट्रिक्स देंगे, सारा कुछ दोस्तों आपको प्रोवाइड कराएंगे बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है? तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अच्छे नंबर लाइए बोर्ड एग्जाम में, ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।